हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं अमेज़न प्राइम की सीरीज यूटोपिया, जो कि रीमेक है साल 2013 में आई हुई इसी सेम नाम की ब्रिटिश सीरीज से, जिसके टोटल दो सीजन्स थे और हर एक सीजन में सिर्फ 6 ही एपिसोड्स थे। लेकिन यहां पर अमेज़न प्राइम वालों की तरफ से कहानी में तो छेड़छाड़ की ही गई है, और उसके अलावा इसके पहले सीजन में आपको देखने मिलते हैं टोटल 8 एपिसोड्स और हर एक एपिसोड्स की लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटे की है। जिसकी अगर कहानी की थोड़ी सी डिटेल की बात करें, वो भी बिना किसी स्पॉइलर के, तो यूटोपिया की पहले तो कहानी फोकस करती है सीरीज के 4 कॉमिक नर्ड्स पर, जो फैंस है डिस्टोपिया नाम की कॉमिक बुक के, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि इस कॉमिक बुक का एक दूसरा वर्जन यूटोपिया भी है, जिसे लेने के लिए उन्हें एक इवेंट में भी जाना होगा और अच्छी खासी रकम भी देनी होगी इस कॉमिक बुक के लिए, क्योंकि इनमें से 2 लोगों को ऐसा लगता है कि इस कॉमिक बुक की कहानी में कहीं ना कहीं तो सच्चाई छुपी हुई है, खास करके वायरस की कहानियों को लेकर। जिसके बाद इस यूटोपिया नाम की कॉमिक बुक की वजह से इन चारों की लाइफ में क्या कुछ होता है, और कौन है जेसिका हाइस जो सीधे इन लोगों को बचाने के लिए आ जाती है, क्योंकि चारों के पीछे कुछ ऐसे लोग भी पड़ गए हैं जो नहीं चाहते कि कोई भी यूटोपिया नाम की कॉमिक बुक को क्रैक करे। अब जैसे कि मैंने आपको प्लॉट की कुछ डिटेल देने से पहले ये कहा कि सीरीज की कहानी पहले फोकस करती है इन 4 कैरेक्टर्स पर, तो जी हाँ, ये सीरीज आगे चलकर काफी अलग अलग कैरेक्टर्स पर फोकस करती रहती है, यानी कि अलग अलग कैरेक्टर्स और जी हाँ उनकी अलग अलग स्टोरीज भी। जिसे मैनेज करने में ये सीरीज सक्सेस होती भी है या नहीं, और क्या आपको आपका कीमती समय इस सीरीज को देना चाहिए या नहीं, चलिए उन्हीं सभी डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो इस सीरीज को लेकर जो आपके डाउट्स है, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आप इस सीरीज को फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो या नहीं, तो जवाब है जी नहीं। मेरे हिसाब से आपको फैमिली के साथ बैठकर इस सीरीज को देखना अवॉइड ही करना होगा। और उसके अलावा बात करें क्या ये शो अमेज़न प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल है, तो जी नहीं, इस शो को हिंदी में डब नहीं किया गया, लेकिन आपको इस शो को देखने के लिए हिंदी सबटाइटल दिए गए हैं। यानी अब डिपेंड आप पर करता है कि आप इस शो को कैसे देखना पसंद करते हो। और रही बात सीरीज में इतने सारे कैरेक्टर्स की कहानी को हमारे सामने प्रेजेंट करने की, तो उसमें ये सीरीज मेरे हिसाब तो बिल्कुल भी मार नहीं खाती, क्योंकि सभी कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस के साथ साथ उनकी प्रेजेंटेशन भी आपके सामने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई है, ताकि आप सभी कैरेक्टर्स को काफी अच्छी तरीके से समझ जाओ। लेकिन अनफॉर्चुनेट हर एक कैरेक्टर को तो रेडी कर हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया गया है, लेकिन हमारा कनेक्शन उनमें से किसी भी कैरेक्टर्स के इमोशन के साथ जुड़ नहीं पाता, जो कि इस सीरीज का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और इसके अलावा इसके पहले सीजन की लेंथ जो हद से काफी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस शो की रेटिंग 2003 के ब्रिटिश शो के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा कम है। जिसका रीजन पहले मुझे यही लग रहा था कि शायद कहानी बिल्कुल सेम होगी, जिसके प्रोडक्शन और बजट को यहाँ पर बढ़ाकर लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। लेकिन शो देखने के बाद मैं ये बात तो कंफर्म कर सकता हूँ कि जी हाँ, अमेज़न प्राइम वालों की तरफ से शो का बजट काफी ज्यादा बढ़ाया गया है, जो कि साल 2013 के ब्रिटिश शो के मामले में बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा वीक था। लेकिन उस शो की सबसे बड़ी जो खासियत थी वो थी कैरेक्टर्स की प्रेजेंटेशन, और उसके अलावा स्टोरी का चलना, और सबसे बड़ी बात उस शो का काफी जबरदस्त, या फिर मैं कहूँ माइंड ब्लोइंग BGM, जो आपको शो के साथ बिल्कुल ग्रिप कर रखता है। और सिर्फ 2 ही सीजन में उस ब्रिटिश शो को खत्म कर बिल्कुल पैकअप पर डाल दिया गया था, क्योंकि उसकी पेस ही इतनी ज्यादा फास्ट थी। लेकिन इस केस में अमेज़न प्राइम वालों ने सब कुछ उल्टा किया है। इस शो का BGM अगर आप पुराने शो से कंपेयर करोगे तो बिल्कुल घटिया है, और उसके अलावा शो की पेस्ट भी बहुत ज्यादा स्लो रखी गई है, जो कि अभी मैंने आपको बताई। लेकिन अगर आपने उस पुराने ब्रिटिश शो को नहीं देखा है, तो ये शो आपको हर एंगल से बिल्कुल अच्छा लगेगा, सिवाय इसके स्लो पेस्ट को छोड़कर। लेकिन फिर भी ये शो इंटरेस्टिंग है, जिसे मेरे हिसाब से तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अब याद रहे, मैंने इस रिव्यू को पुराने ब्रिटिश शो के साथ कंपेयर कर किया है, इसलिए काफी लोगों को मेरी ये बात बहुत ही ज्यादा बुरी लग रही होगी कि मैं इस शो की इतनी सारी कमियां क्यों गिनवा रहा हूँ। ये मेरा काम है ताकि आपको पूरी तरीके से पता रहे कि कल्ट क्लासिक शो की अगर एडेप्टेशन की जा रही है, तो उस मास्टरपीस को वैसे ही कॉपी करना चाहिए, ना कि उसमें कोई छेड़छाड़ कर जबरदस्ती के 3 से 4 सीजन बनाना चाहिए, जो कि इस केस में मुझे लगता है कि अमेज़न के इस सीरीज में ये डेफिनेटली होगा। और इसके बावजूद भी अगर अमेज़न प्राइम वाले ने इसके दूसरे ही सीजन में शो को खत्म कर दिया, तो भी ये शो लेंथ के मामले में तो मार खाएगा ही, जिस पर अमेज़न प्राइम वालों को बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, जो अनफॉर्चुनेट उन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं दिया है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इसके बजट में कोई भी कमी नहीं रखी गई है, जिसके हिसाब से ये शो आपको काफी ज्यादा ग्रैंड और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और ऊपर से कैरेक्टर्स की प्रेजेंटेशन के भी बारे में मैंने आपको बताया, जिसके हिसाब से आपको कुछ कैरेक्टर पसंद आएंगे। और परफॉर्मेंस की भी बात करें तो सभी कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी लगेगी, और इसके अलावा शो का डायरेक्शन तो अच्छा है ही, और एडिटिंग भी शो की ठीक ठाक
ठाक की गई है, लेकिन लाइन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अब इस शो की बाकी डिटेल्स को मैं इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस कर लेता हूँ, जिसमें अगर मैं बात करूँ एक्शन की तो शो में एक्शन ठीक ठाक है, जिसके हिसाब से एक्शन की रेटिंग बनती है 5 में से 2 स्टार की। और बात करें कॉमेडी की तो ये सीरीज एक डार्क कॉमेडी है जो कि कुछ मोमेंट में आपको हंसाती है, जिसके हिसाब से कॉमेडी की रेटिंग 5 में से 3 स्टार की बनती है। और बात करें ड्रामा की तो ड्रामा के लिए मेरी रेटिंग है 5 में से 3.5 स्टार की, जिसे देखकर आपका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाता है, क्योंकि इस शो की कहानी में भी कॉमिक बुक की तरह विलेन का एक ही सपना है दुनिया को खत्म करने का, लेकिन उसमें जिस तरीके के ट्विस्ट को ऐड किया गया है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और उसके अलावा हर एक शो के ट्विस्ट एंड टर्न्स, जिसके हिसाब से सस्पेंस की रेटिंग भी बनती है 5 में से 3 स्टार की। और अब बात करें हॉरर थ्रिल की, जिसमें थ्रिल के साथ साथ ब्रूटेलिटी भी डाली गई है, जिसके हिसाब से इस कैटेगरी में मैं इस सीरीज को दूंगा 5 में से 1 स्टार। और अब बात करते हैं मासस ऑडियंस की, तो जी नहीं, ये शो मासस ऑडियंस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, जिसके हिसाब से मासस ऑडियंस की नजर में इस शो की रेटिंग बनती है सी की। और बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को ये शो क्यों इतना ज्यादा पसंद नहीं आया है उसकी डिटेल तो मैंने आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिसके हिसाब से क्रिटिक्स की नजरों में इस शो की रेटिंग बनती है बी माइनस की। और बात करें मेरी, तो मैं इस शो को बी प्लस की रेटिंग दूंगा, रीजन वो भी मैंने आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। वेल, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन अमेजोन प्राइम पर रिलीज हुई सीरीज उटोपिया को लेकर, कि मुझे पर्सनली ये शो कितना ज्यादा पसंद आया और कितना नहीं। तो अब आपकी क्या राय है अमेजोन प्राइम के इस यूटोपिया शो को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इसके सीजन 1 को देखने के बाद सीजन 2 के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूं जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में, किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।